अगर आप कामिनी कंचन से साधन मार्ग में बहुत परेशानी में हो तो इस वीडियो को देख के आप कामिनी कंचन से मुक्त हो सकते हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के जमाने में और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हो? माँ बाप। आज के लिए माँ बाप नहीं रहा। जब तक माँ बाप रहते हैं ना, तब तक बच्चे का अच्छा ही होता है, और जब मॉम डैड बन जाता है ना, तब बच्चे को हालत बुरे से बदतर हो जाता है। बात थोड़ी कड़वी है, मैं तुमको ये बात, देखो ये कोई टॉपिक के अंदर बात नहीं है, लेकिन ये बात है, ये बात जब तक तुम ना समझोगे ना, तब तक तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मेंटली खुद को पहले प्रिपेयर करना है। तुम लोग यहाँ पे एक बात लेके आए थे कि भाई हम साधना करेंगे, लेकिन साधना करने के लिए जो खुद को जो मेंटली प्रिपेयर करना है, अगर वो नहीं कर सकते तो कहीं कहीं जा पाओगे? आज हमारे देश में इतने उन्नति क्यों नहीं है जानते हो? हमारे देश में जितने भी सरकारी नौकर है जो काम करते हैं, वो सिर्फ अपने पेट पालने के लिए नौकरी के ऑफिस में बैठा हुआ है। कोई सरकारी देश में हित के लिए मैं सरकारी नौकरी करूंगा, इस बात के लिए कोई नौकरी में जॉब नहीं करता। अगर कोई करता है तो कब का मेरा देश सोने का बन चुका होता, कब का। हम हमारे फैमिली के बारे में सोचते सोचते हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं ना कि खुद की खुशी के बात ही भूल जाते हैं। और जाओ ना, मेरे को आगे जाने दे। तो साधना करना है, सिर्फ साधना नहीं, दुनिया में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले खुद को समय देना सीखना होगा, और जो हम कभी नहीं दे पाते, खुद गर्द बनना होगा। अगर नहीं बन पाओगे तो कभी भी साधक मार्ग को भी आगे नहीं बढ़ सकते, समझ में आ गया? तो साधक बनना है या साधना करना है तो बिना खुद गर्ज बने कभी नहीं कर सकते। खुद गर्ज मतलब दुनिया भार में बह जाए, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं मेरा काम कर लूंगा। दुनिया में सिर्फ एक ही एक बात को याद रखना, दुनिया भार में जाए मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया में कोई मेरे समाज की कोई अहित नहीं करूंगा, बस इतना। मेरे द्वारा समाज की कोई क्षति ना पहुंचे, बस जो मर्जी कर जाओ। और तंत्र साधना के मार्ग में अगर आओगे तो यहाँ पे कामिनी मोहिनी मुख का मतलब मैं समझा देता हूँ क्लियरली, वो कोई ऊपर से अप्सरा अप्सरा नहीं आएगा, इस दुनिया की अप्सरा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ये कैटरीना, ये सब जब कोई साधन मार्ग में आगे बढ़ जाता है ना, तो इसके पास नारियों के समावेश हो जाते हैं। हमारे देश में जितने सारे बाबा जेल में है ना, कोई खून मर्डर के लिए नहीं है, कोई अप्सराओं के कारण। तो अगर आपको साधना में सफलता लेनी है तो ये कामिनी कंचन से बच के, नहीं तो आप कहीं का भी नहीं रहोगे।